के अंदर या इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर जो है वो मार्केट बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, कोई डीलिंग्स नहीं हो रही। यही इस वक्त कराची की भी यही पोजीशन है। काला धन खत्म करने के हुकूमती इकदामात, मुल्क भर में जायदाद की खरीदो फरोख्त का कारोबार ठप, मकानों और प्लाट्स की कीमत 20 से 25% कम, मार्केट फ्रीज, किरायों में भी 10 से 15% कमी, स्टेट एजेंट्स सर पकड़ कर बैठ गए। इतनी जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी वैकेंट पड़ी होगी, बिकेगी नहीं, तो लोग किराए पे देंगे, जब किराए पे देंगे तो वो जो बिकने वाली प्रॉपर्टी जब किराए पे आएगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट भी रेल इस पे रेंट पे भी आएगा, तो रेंट भी जो है ना वो कम हो जाएगा। पटवार कल्चर का खात्मा ख्वाब, फैसलाबाद में अराजी का रिकॉर्ड ऑनलाइन ना हो सका, फर्द का हुसूल मुश्किल, हुकाम शहरियों को पटवारियों की राह दिखाने लगे। में जगह तंग पड़ रही है, अब जब लोग मर रहे हैं तो दफनाने के लिए जगह ही नहीं है। मुर्दों की जमीन पर जिंदों के कब्जे, पेशावर में कब्रिस्तानों का कोई पुरसान हाल नहीं, रहमान बाबा, बेरी बाग और अखुनाबाद समेत 1600 केनाल पर बस्तियां आबाद, खरीदो फरोख्त उरूज पर। ममता मर गई, मियां चनू में संगदिल मां ने दोस्त के साथ जाने से पहले दो बच्चियां नहर में फेंक दी, तलाश जारी, दोनों गिरफ्तार। रात से काम किया, रात को तकरीबन 4-5 बजे तक हम लोग लगे रहे, फिर सुबह जैसे हम लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से हम अभी तक हम लगे हुए, अगर आप दिखा सके तो ये देखो मेरे पूरे कपड़े वपड़े हर चीज़ गंदा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं, ना बल्दियाती आया, ना कोई हो रहा है, ना नाजिम आया, कोई भी नहीं आया। 20 घंटे गुजर गए, कराची में लांठी के नाले से बच्चा ना मिल सका, रेस्क्यू अहलकार गायब, लोग अपनी मदद आप के तहत तलाश में मसरूफ, ट्रेन मंगवा ली, अहले खाना पर एक एक पल भारी। अमल और मकसूद के बाद निमरा, मुबैना पुलिस मुकाबले में मेडिकल तालिबा की हलाकत, मुकदमा डाकुओं के खिलाफ दर्ज, ऐनी शाहिदीन पूछताछ के लिए कल तलब, जख्मी मुलजिम और कराची पुलिस के अहलकारों के बयान भी कलम बंद करने का फैसला। रिहाई या वही पुरानी जेल, नजरे इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर, नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत की कल समाअत, दो रुकनी बेंच दिन 12 बजे फैसला सुनाएगा, फरीकैन को नोटिसेस जारी। शाह महमूद कुरैशी का दौरा जापान मुलतवी, नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, वजारत खारजा हुकाम ने तस्दीक कर दी। डाउन, 200 अफराद गिरफ्तार, हड़ताल से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। नारोवाल में भारतीय फोर्सेस के हाथों शहीद गुलशन बीबी की नमाज जनाजा अदा, लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की भी शिरकत, निहत्ती जहनी माजूर खातून को गोलियों से छलनी करना जाहिर करता है कि भारत बौखला गया, मीडिया से गुफ्तगू। तो यहाँ तक यकीन करो असला तक नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग खुद असला रखे, फिर जो भी आए उसके सर पे वार करके, यही एक हाल है। सियासी असर रसूख इनके ऊपर जो करने वाले लोग हैं सबको पता है, बाकायदा ग्रुप बंदी के शक्ल में जिसमें हर कास्ट, हर कौम, हर तंजीम के लोग मिलके ये काम करते हैं, जो बाद में इनके हर एक अपना अपना शहर जाता है। शहर कायद में लुटेरों की दीदा दलेरी, तारिक रोड पर डकैती की कोशिश, 6 से 7 मुलजमान बाथरूम की छत तोड़कर शॉपिंग मॉल में दाखिल, मुजाहमत पर फायरिंग से चौकीदार जाँ बहक, दूसरा तशद्दुद से सख्त। तीनों मुल्जिम गिरफ्तार। यहाँ तक यकीन करो असला तक नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग खुद असला रखे, फिर जो भी आए उसके सर पे वार करके, यही एक हाल है। सियासी असर रसूख इनके ऊपर जो करने वाले लोग हैं सबको पता है, बाकायदा ग्रुप बंदी के शक्ल में जिसमें हर कास्ट, हर कौम, हर तंजीम के लोग मिलके ये काम करते हैं, जो बाद में इनके हर एक अपना अपना शहर जाता है। शहर कायद में लुटेरों की दीदा दलेरी, तारिक रोड पर डकैती की कोशिश, 6 से 7 मुलजमान बाथरूम की छत तोड़कर शॉपिंग मॉल में दाखिल, मुजाहमत पर फायरिंग से चौकीदार जाँ बहक, दूसरा तशद्दुद से सख्त। तीनों मुल्जिम गिरफ्तार।
बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि मुल्क भर में जायदाद की खरीदो फरोख्त का कारोबार मुंजमित पड़ा है। मकानात और प्लॉट्स की कीमतें गिर रही हैं और खरीदार मार्केट से गायब है। गिरानी की कहानी जानिए शहरियार जंजुआ की जबानी। तकरीबन हर रियल एस्टेट का दफ्तर वीरानी में डूबा हुआ है। यही सूरत हाल लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम बड़े शहरों के रियल एस्टेट दफातर में देखी जा रही है। इस वक्त पंजाब के अंदर या इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर जो है वो मार्केट बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है। कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, कोई डीलिंग्स नहीं हो रही। अगर आप मार्केट में जाएँ तो जिसको ज़रूरत है अगर वो सेल करना चाहता है तो जो प्राइस थी उससे 25% 20% कम प्राइस में वो दे देता है आपको प्रॉपर्टी। यही इस वक्त कराची की भी यही पोजीशन है। कराची का इलाका गुलशन इकबाल हो या गुलस्ताने जौहर, 3 करोड़ के जायदाद की कीमत 2.5 करोड़ रुपए भी नहीं लग रही। कराची डिफेंस में 10 करोड़ रुपए के प्लॉट के कोई 7.5 करोड़ भी देने को तैयार नहीं। यही हाल लाहौर का है, जहां जौहर टाउन में 2.37 करोड़ रुपए मालियत का 10 मल्ले का प्लॉट अब 1.90 करोड़ में भी नहीं फरोख्त हो रहा। इस शोबे से मुंसलिक अफराद का कहना है कि मुल्क में जायदाद की वैल्यूएशन के 3 तरीकाकार हैं जो इस कारोबार के फरोख में सबसे बड़ी रुकावट हैं। अगर यही हाल रहा, इन्होंने टैक्स कम नहीं किए तो इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो ये होगा कि एक तो टैक्स कलेक्शन नहीं होगी हमारी। टैक्स कलेक्शन ना होने के साथ साथ जो रियल इस्टेट में जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है उनका पैसा भी कम हो जाएगा। मार्केट वैल्यू अलग है, DC वैल्यू अलग है और FVR वैल्यू अलग है, तो उस वजह से लोग जो है वो परेशान होते हैं और फिर इन्होंने जो है वो रातों रात प्राइस बढ़ा दी। किसी को नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था। जब आपकी तीनों सूबों के अंदर गवर्नमेंट है तो फिर उसके लिए कम से कम आपको जो मार्केट के लोगों को एतमाद में लेके और इन चीज़ों को अनाउंस करना चाहिए। रियल इस्टेट सेक्टर में सरगर्मियाँ महदूद होने की वजह से प्रॉपर्टी के किरायों में भी 10 से 15% की कमी हो चुकी है। इतनी जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी विकेट पड़ी होगी बिकेगी नहीं, तो लोग किराए पे देंगे। जब किराए पे देंगे तो जो बिकने वाली प्रॉपर्टी जब किराए पे आएगी तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट भी रियल इस पे रेंट पे भी आएगा, तो रेंट भी जो है ना वो कम हो जाएगा। फिर पाकिस्तान शीशनाक सूरत हाल ये है कि पेशावर शहर नापुरसा बन गया। कब्रिस्तानों पर भी कब्जे होने लगे हैं, मुर्दों पर भी जमीन तंग कर दी गई है। मजीद देखिए जाकिरुल्ला की रिपोर्ट में। 40 लाख के करीब आबादी का शहर लेकिन मुर्दों पर जमीन तंग। कब्रिस्तानों पर न सिर्फ बस्तियाँ बनाने बल्कि खरीदो फरोख्त का सिलसिला एक अरसे से जारी है। शहर में वाकिया रहमान बाबा, बेरी बाग और अखुनाबाद समेत 1600 कनाल पर मुखीत कब्रिस्तानों में कब्जे का अमल जारी है। कई कनाल से जायद अराजी पर न सिर्फ तामीरात हो चुकी है बल्कि कब्जा भी किया जा चुका है। शहरियों का कहना है कि नौबत यहां तक पहुंच गई कि अपने मुर्दों को दफनाने के लिए जगह नहीं। सुबह को जो है ना कब्रिस्तानों से जब रात को आ जाते लोग मकान बना लेते, तो हुकूमत जो है ना इसके बारे में किसी पूछते भी नहीं कि भाई कब्रिस्तान है या किसी की क्या मसला है इस बारे में। मुख्तलिफ लोग हैं जो कब्जिया माफिया से मिले हुए और जो कब्रिस्तान की ज़मीन पर दिन ब दिन जो है ना कब्जा करते जा रहे हैं। साबिक हुकूमतों की तरह तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत भी कब्रिस्तान माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रही है। ज़िले इंतजामिया भी कार्रवाई के बजाय रिवायती अंदाज में जान छुड़ाने के बयान दागने लगी। इस हफ्ते भी हमारी औकाफ वालों के साथ मीटिंग्स हुई हैं। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि हम जियोग्राफिकल मैपिंग कर रहे हैं। हमने गूगल इमेजेस गूगल मैप से मैप निकाला है पेशावर का, उसमें जो खसराजात आते हैं कब्रिस्तानों में उनको हमने आउटलाइन कर दिया है। अब हम जियोग्राफिक उनकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि मुल्क भर में जायदाद की खरीदो फरोख्त का कारोबार मुंजमित पड़ा है। मकानात और प्लॉट्स की कीमतें गिर रही हैं और खरीदार मार्केट से गायब है। गिरानी की कहानी जानिए शहरियार जंजुआ की जबानी। तकरीबन हर रियल एस्टेट का दफ्तर वीरानी में डूबा हुआ है। यही सूरत हाल लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम बड़े शहरों के रियल एस्टेट दफातर में देखी जा रही है। इस वक्त पंजाब के अंदर या इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर जो है वो मार्केट बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है। कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, कोई डीलिंग्स नहीं हो रही। अगर आप मार्केट में जाएँ तो जिसको ज़रूरत है अगर वो सेल करना चाहता है तो जो प्राइस थी उससे 25% 20% कम प्राइस में वो दे देता है आपको प्रॉपर्टी। यही इस वक्त कराची की भी यही पोजीशन है। कराची का इलाका गुलशन इकबाल हो या गुलस्ताने जौहर, 3 करोड़ के जायदाद की कीमत 2.5 करोड़ रुपए भी नहीं लग रही। कराची डिफेंस में 10 करोड़ रुपए के प्लॉट के कोई 7.5 करोड़ भी देने को तैयार नहीं। यही हाल लाहौर का है, जहां जौहर टाउन में 2.37 करोड़ रुपए मालियत का 10 मल्ले का प्लॉट अब 1.90 करोड़ में भी नहीं फरोख्त हो रहा।
इस शोबे से मुंसलिक अफराद का कहना है कि मुल्क में जायदाद की वैल्यूएशन के तीन तीन तरीका कार हैं, जो इस कारोबार के फरोग में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर यही हाल रहा, इन्होंने टैक्स कम नहीं किए, तो इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो ये होगा कि एक तो टैक्स कलेक्शन नहीं होगी हमारी। टैक्स कलेक्शन न होने के साथ साथ जो रियल एस्टेट में जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है उनका पैसा भी कम हो जाएगा। मार्केट वैल्यू अलग है, डीसी वैल्यू अलग है और एफवीआर वैल्यू अलग है, तो उस वजह से लोग जो है वो परेशान होते हैं। और फिर इन्होंने जो है वो रातों रात प्राइस बढ़ा दी, किसी को नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था। जब आपकी तीनों सूबों के अंदर गवर्नमेंट है तो फिर उसके लिए कम से कम आपको जो मार्केट के लोगों को एतमाद में लेके और इन चीज़ों को अनाउंस करना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर में सरगर्मियां महदूद होने की वजह से प्रॉपर्टी के किरायों में भी 10-15% की कमी हो चुकी है। इतनी जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी वैकेंट पड़ी होगी, बिकेगी नहीं, तो लोग किराए पे देंगे। जब किराए पे देंगे तो वो जो बिकने वाली प्रॉपर्टी जब किराए पे आएगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट भी रेल रेंट पे भी आएगा, तो रेंट भी जो है ना वो कम हो जाएगा। फिर पाकिस्तान शीशनाक सूरत हाल ये है कि पेशावर शहर नापुरसा बन गया, कब्रिस्तानों पर भी कब्जे होने लगे हैं, मुर्दों पर भी जमीन तंग कर दी गई है। मजीद देखिए जाकिरुल्ला की रिपोर्ट में। 40 लाख के करीब आबादी का शहर, लेकिन मुर्दों पर जमीन तंग, कब्रिस्तानों पर न सिर्फ बस्तियाँ बनाने बल्कि खरीदो फरोख्त का सिलसिला एक अरसे से जारी है। शहर में वाकिया रहमान बाबा, बेरी बाग और अखुनाबाद समेत 1600 कनाल पर मुखीत कब्रिस्तानों में कब्जे का अमल जारी है। कई कनाल से जायद अराजी पर न सिर्फ तामीरात हो चुकी है बल्कि कब्जा भी किया जा चुका है। शहरियों का कहना है कि नौबत यहां तक पहुंच गई कि अपने मुर्दों को दफनाने के लिए जगह नहीं। सुबह को जो है ना कब्रिस्तानों से जब रात को आ जाते लोग मकाने बना लेते, तो हुकूमत जो है ना इसके बारे में किसी पूछते भी नहीं कि भाई कब्रिस्तान है या किसी की क्या मसला है इस बारे में। मुख्तलिफ लोग हैं जो कब्जिया माफिया से मिले हुए और जो कब्रिस्तान की ज़मीन पर दिन ब दिन जो है ना कब्जा करते जा रहे हैं। साबिक हुकूमतों की तरह तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत भी कब्रिस्तान माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रही है। ज़िला इंतजामिया भी कार्रवाई के बजाय रिवायती अंदाज में जान छुड़ाने के बयान दागने लगी। इस हफ्ते भी हमारी औकाफ वालों के साथ मीटिंग्स हुई हैं। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि हम जियोग्राफिकल मैपिंग कर रहे हैं, हमने गूगल इमेजेस गूगल मैप से मैप निकाला है पेशावर का, उसमें जो खसरा जात आते हैं कब्रिस्तानों में उनको हमने आउटलाइन कर दिया है। अब हम जियोग्राफिक उनकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं।